सोलन शहर के न्यू कथेड़ में रविवार को दी पब्लिक स्क्वायर न्यू कथेड़ हिमाचल ज्ञान विज्ञान की सोलन शाखा और युवा क्लब न्यू कथेड़ के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देवदार, बान और अन्य सजावटी पौधे रोपित किए गए। न्यू कथेड़ वाटर टैंक के समीप देवदार के करीब 100 पौधे रोपित किए गए। साथ ही HRTC की वर्कशॉप से वेयर हाउस की ओर जाने वाली सड़क के किनारे विभिन्न प्रजातियों के सजावटी पौधे लगाए गए। सोलन में द पब्लिक स्क्वायर न्यू कथेड़ हिमाचल ज्ञान विज्ञान की सोलन शाखा और युवा क्लब न्यू कथेड़ के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देवदार के पौधों के साथ साथ कई सजावटी पौधे भी रोपे गए। इस मौके पर बसाल पंचायत के प्रधान देवेंद्र कुमार कश्यप मौजूद रहे। प्रधान देवेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि न्यू कथेड़ के युवा, सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग हर वर्ष 5 जुलाई को पौधारोपण करते हैं। जो आज यहां पे वृक्षारोपण किया गया है, लगभग यहां पे कथेड़ के युवा, कथेड़ के लगभग 50 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें कुछ नौजवान लड़के भी थे, कुछ जो अभी नौकरी में कार्यरत हैं लोग वो भी थे, कुछ रिटायर लोग भी थे। सभी ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में योगदान दिया। यहाँ पे हमने ज़्यादातर देवदार के वृक्ष लगाए हैं और देवदार के वृक्षों के अलावा और भी कई छायादार पौधे यहाँ पे हमने वृक्षारोपण कर रहे हैं। मुझे भी पब्लिक स्क्वायर के माध्यम से यहाँ पे आने का मौका मिला और इसमें इस यज्ञ में मैंने भी कुछ पौधे लगा के अपनी आहुति प्रदान की। इसके लिए मैं पब्लिक स्क्वायर का बहुत धन्यवादी हूँ। द पब्लिक स्क्वायर न्यू कथेड़ के सीताराम ठाकुर ने बताया कि 5 जुलाई को हर वर्ष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके तहत पूरे क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी के लिए मास्क, सैनिटाइजर व रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई थी। पर्यावरण सप्ताह शुरू हो रहा है 5 जुलाई और पूरा सप्ताह भर पौधारोपण कार्यक्रम चलता है हर जगह पर। तो हमने भी कथेड़ निवासी जो यहाँ पर हैं यूथ की मदद से और यहाँ पर जो एक ग्रुप बना है द पब्लिक स्क्वायर उसकी मदद से और बाकी जो अन्य हमारे जो कथेड़ निवासी उन सब की मदद से यहाँ पे पौधारोपण कार्यक्रम रखा है। वैसे तो हम हर वर्ष ही 5 जुलाई को अपने जो सड़कें हैं उसके ऊपर छायादार और फूलदार पौधे लगाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमने ये जो टैंक का जो हमारा एरिया है इसको चुना है और यहाँ पर देयार के लगभग 90 पौधे का पौधारोपण हमने किया है और अभी लगातार ये दिन में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और सड़कों के ऊपर लगभग 150 पौधा छायादार और फूलदार जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।